पिछोर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी पिछोर पहुंचे, जहां उन्होंने टेकरी सरकार मंदिर पर पहुंचकर माथा टेका। इसके बाद उन्होंने टेकरी सरकार प्रांगण में कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और बुजुर्गों का आशीर्वाद लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपने प्रत्याशी का माला पहनाकर स्वागत किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर कांग्रेस प्रत्याशी अरविंद लोधी ने बताया कि मैं जातिवाद की राजनीति नहीं करता। पिछोर विधायक केपी सिंह कग्गाजू ने जिस विश्वास के साथ मुझे टिकट दिया है, मैं अपनी पूरी मेहनत लगा दूंगा। आज मैं कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव की नीति को लेकर चर्चा करने आया था। मुझे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर भरोसा है और बुजुर्गों ने भी मुझे आशीर्वाद दिया। सातवीं बार पिछोर विधानसभा से कांग्रेस की सीट निकलेगी और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। पंडित रामेश्वर दयाल पाठक जी ने कहा कि केंद्र की कांग्रेस कमेटी एवं प्रदेश की कांग्रेस कमेटी को धन्यवाद देता हूँ, जो पिछोर जन विधानसभा से एक युवा एवं क्षेत्रीय प्रत्याशी अरविंद लोधी को कांग्रेस ने टिकट दिया और हमारे क्षेत्रीय विधायक केपी सिंह को शिवपुरी जिले से टिकट दिया। अरविंद लोधी क्षेत्रीय प्रत्याशियों और क्षेत्र के जनता भी युवा प्रत्याशी को पसंद कर रही है। यह चुनाव सदाचारी और दुराचारी के बीच है, तो निश्चित तौर पर ही पिछोर से सातवीं बार कांग्रेस की विजय होगी। संवाददाता सचिन राजभट्ट की रिपोर्ट। कांग्रेस ने एक युवा प्रत्याशी को अपना उम्मीदवार बनाया है, क्या कहेंगे इस बारे में, किस तरह से इस चुनाव को देख रहे हैं आप? हम अपनी विधानसभा धरती को नमन करते हैं, जो इस धरा पर केपी सिंह जैसे सपूत पैदा हुए और इसके बाद कांग्रेस, प्रदेश कांग्रेस का जो है हम धन्यवाद करते हैं और केंद्रीय कांग्रेस समिति का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने केपी सिंह को इतना उपयुक्त समझा कि जिले की कमान सौंप कर उन्हें जो है जिले में चुनाव लड़ने का आदेश दिया। वो अपने कर्तव्य प्राण के लिए शिवपुरी विधानसभा में जो है चुनाव लड़ने के लिए चले गए और यहाँ पर जो है आज हमारा बड़ा सौभाग्य है कि इसी धरा का हमारा एक और युवा सपुत्र किसान बेटा हमको जो है कांग्रेस ने दिया है, जो स्वच्छ छवि का व्यक्तित्व लिए धनी है। तमाम पदों पर ये रहकर के इसने अपनी सत्यता को प्रमाणित किया है। आज अब हमारे बीच में चुनाव केवल सदाचारी और दुराचारी के बीच और क्षेत्रीय और बाहरी के बीच रह गया है। अब केवल हम जनता को केवल वोट डालना है और लोगों की समझ में आ जाएगा कि क्षेत्रीय सदाचारी व्यक्ति का क्या महत्व है और दुराचारी व्यक्ति का यहाँ भेजने का भाजपा को भी सबक मिल जाएगा। अरविंद जी, कांग्रेस ने आपको पिछोर विधानसभा से टिकट दिया है तो युवाओं ने आज आपका स्वागत भी किया, टेकरी सरकार मंदिर पे आपने माथा टेका, क्या कहेंगे आगे, किस तरह से ये चुनाव की रणनीति तय करेंगे? पहले तो मैं पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, पार्टी के मुख्य आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र के विधायक एवं इस क्षेत्र के मसीह आदरणीय कक्काजी साहब का और हमारी पिछोर विधानसभा की पूरी जनता का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे इस लायक समझा। अचानक से जो है जिला जनपद अध्यक्ष आपकी पत्नी और चंद दिनों में ही आपको MLA का टिकट मिलना, तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप? कुछ नहीं, पहले से राजनीतिक परिवार से हैं, लोगों की सेवा करते आए हैं और आगे भी पूरा प्रयास करेंगे कि लोगों के काम आ जाएं और लोगों की सेवा करें। सामने भी एक लोधी प्रत्याशी है और इस चुनाव को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैंने कभी जातिवाद की ना तो राजनीति की है और ना मैं कभी जातिवाद का सपोर्ट करता हूं। मैं आज तक मैंने जितने भी सेवाएं की हैं, जहां जहां मुझे प्रतिनिधित्व मिला है, मैंने जातिवाद की राजनीति से बहुत दूर हटके काम किया है। इसका एक नतीजा है कि आज सब लोगों ने मुझ पर विश्वास जताया है।